दोस्तों क्या आपका भी सपना है नए कंट्री को एक्सप्लोर एंड अब्रॉड स्टडी करने का बट फिनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए आपका ये सपना अधूरा रह जाता है तो आज मैं आपको अब्रॉड स्टडी करने के लिए टॉप फाइव फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगी जो आपका प्लेन टिकट ट्यूशन फी फूड लॉजिंग इवन पॉकेट मनी जैसे एक्सपेंसिस को भी कवर करने वाला है इन स्कॉलरशिप के हेल्प ऐसी आप यूके यूएस जर्मनी जापान एंड साउथ कोरिया के टॉप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो बीच में कोई एजेंट या हिडन चार्जेस नहीं रहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है तो चलिए बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है कौन से वीजा की जरूरत है क्या एलिजिबिलिटी है सब कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स गेट स्टार्ट इट दोस्तों इन स्कॉलरशिप से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है टाइमिंग एक पर्टिकुलर सेशन का एप्लीकेशन उसके प्रीवियस ईयर में ही स्टार्ट हो जाता है यानी कि 2024 का एप्लीकेशन 2023 में कंप्लीट हो जाता है इसीलिए आपको ऑफिशियल पोर्टल को रेगुलरली चेक करते रहना है अपडेट्स लेते रहना है नंबर फाइव पे है जी स्कॉलरशिप फॉर साउथ कोरियन यूनिवर्सिटीज दोस्तों कोरियन वेव की बढ़ती पॉपुलैरिटी एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम के लिए साउथ कोरिया आज एक टॉप स्टडी डेस्टिनेशन है तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोबल कोरियन स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पे आपको इंडिया टू साउथ कोरिया एंड साउथ कोरिया टू इंडिया राउंड टिकट दिया जाएगा रीसेटलमेंट के लिए टू लाख कोरियन वोन दिए जाएंगे यूनिवर्सिटी फी पर सेमिस्टर फाइव मिलियन वोन तक कवर किया जाएगा फूड एंड लॉजिंग के लिए आपको पर मंथ नाइन्टी कोरियन वोन प्रोवाइड किया जाएगा वन ईयर प्रीमियम क्वालिटी कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग दिया जाएगा फ्री मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाएगा टॉपिक फाइव एंड टॉपिक सिक्स होल्डर को पर मंथ वन लाख कोरियन वोन एक्स्ट्रा रिवॉर्ड दिया जाएगा एंड आपका डिग्री फिनिश होने के बाद आपको वन लाख कोरियन वो एक्स्ट्रा दिया जाएगा एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपको मस्ट इंडियन सिटीजन होना चाहिए अगर आप यूजी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज ट्वेंटी होना चाहिए एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का मैक्सिमम एज है 40. अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको हाई स्कूल पास आउट होना चाहिए ये एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है तो इसके लिए आपका अकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए इसके लिए कुछ क्राइटेरियाज है लाइक पॉइंट स्केल में आपका मिनिमम रिजल्ट रहना चाहिए एंड अगर एस सिस्टम है तो 4.0 में 2.64, 4.5 में 2.91 एंड 5.0 में 3.23 पॉइंट्स आपका होना चाहिए बट अगर आपका इससे कम है तो भी डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि बहुत टाइम क्यूँकी किया जाता है तो आपको अप्लाई जरूर से करना है वीजा की बात करें तो यहाँ पे स्टूडेंट और डी वीजा की रिक्वायरमेंट है नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्लीकेशन प्रोसेस सबसे पहले हम टाइमिंग जान लेते हैं अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए टिपिकली सेप्टेम्बर टू अक्टूबर अप्लाई करना पड़ता है एंड पोस्ट ग्रेजुएट के लिए फेबर टू मार्च का टाइमिंग रहता है इयरली बेसिस पे टाइमिंग वेरी करता है तो आपको अपडेटेड रहना है इस स्कॉलरशिप के लिए आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई कर सकते हो या फिर ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो एम्बे से अप्लाई करने के लिए आपको इंडिया में सिचुएटेड कोरियन एम्बे को विजिट करना है विध रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड वहाँ से आपको बाकी प्रोसेस फॉलो करना है एंड अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हो तो आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल को विजिट करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा एंड वहाँ पे आपको फर्स्ट कोर्स चूज करना है फिर यूनिवर्सिटीज चूज करने हैं एंड फिर वहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई कर देना है Okay. सिलेक्शन होने के बाद फर्दर नोटिफिकेशन आपको मेल के थ्रू रिसीव हो जाएगा नंबर फोर पे है एम ई एक्स टी स्कॉलरशिप फॉर जापानीज यूनिवर्सिटीज तो सबसे पहले बेनिफिट्स के बारे में बात करते हैं तो इस स्कीम के अंदर आपको 18 डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है पर मंथ वन लाख सेवेंटीन थाउजेंड एन स्टाइपिन दिया जाता है आपकी फूड एंड लॉजिंग के लिए कंप्लीट यूनिवर्सिटी फी कवर किया जाता है एंड इंडिया टू जापान राउंड ट्रिप एयर फेयर भी दिया जाता है बात करते हैं एलिजिबिलिटी की तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एज सेवेंटीन टू थर्टी फाइव के बीच होना चाहिए एंड अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हो तो भी आपका एज थर्टी फाइव ऐसी नीचे होना चाहिए सेकेंड आपको या तो इंग्लिश या फिर जापानीज लैंग्वेज में फ्लुएंट होना है यहाँ पे आयल पीटी जैसे सर्टिफिकेट मैंडेटरी नहीं है बाकी अगर आप एकेडमिक स्कोर के क्राइटेरियाज जानना चाहते हो तो आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल को विजिट करना है एंड वहाँ पे अपने कोर्स को सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरियाज चेक कर लेने फॉर एग्जाम्पल अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पे इनरोल करने के लिए आपके ट्वेल्थ बोर्ड पे मिनिमम सिक्सटी फाइव परसेंट मार्क्स रहना चाहिए ऑलवेज रिमेम्बर हर स्कॉलरशिप के लिए पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर रिलेक्सेशन होते हैं तो अप्लाई आपको जरूर करना है अगर आप टीचर ट्रेनिंग करना चाहते हो तो इंडिया में आपके पास मिनिमम फाइव ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए वीजा की बात करें तो स्टूडेंट वीजा इज रिक्वायर्ड इस स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए आपको एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है सबसे पहले आपको उनके पोर्टल पे दिए गए एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करने के बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी पे सबमिट करना है नेक्स्ट आपका एक रिटर्न टेस्ट लिया जाएगा जिसके सैम्पल क्वेश्चन आपको पोर्टल में मिल जाएंगे अभी हम बात करेंगे यूरोपियन कंट्रीज में अवेलेबल स्कॉलरशिप के बारे में नंबर थ्री पे है रीच ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप टू स्टडी इन यूनाइटेड किंगडम बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे आपका टोटल थ्री टू फोर ईयर लॉन्ग कोर्स का फी भरा जाएगा साथ ही साथ आपके जो लिविंग कॉस्ट होंगे लॉजिंग एंड फूड के लिए वो कवर किया जाएगा एंड पर ईयर आपको सिर्फ एक रिटर्न टिकट ऑफर किया जाएगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनैलिटी की आपको एक डेवलपिंग कंट्री से होना चाहिए जिसका डेवलपमेंट अभी हो रहा है लाइक इंडिया बांग्लादेश पाकिस्तान नेपाल भूटान नंबर टू यहाँ पे ट्रांसफर स्टूडेंट अलाउ नहीं है आपको न्यूली अपने कोर्स को एनरोल करना पड़ेगा सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पे आप ऑल सब्जेक्ट को चूज कर सकते हो एक्सेप्ट मेडिसिन एंड सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये स्कॉलरशिप उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका एकेडमिक स्कोर बहुत ही अच्छा है ऑल्दो दो यहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्कोर मेंशन नहीं है इसके अलावा सोशल एंड फाइनेंशियल डिफिकल्टीज जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं उनके लिए ये स्कॉलरशिप ऑफर किया जाता है वीजा की बात करें तो यहाँ पे भी स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट है नाउ लेट्स चेक एप्लीकेशन प्रोसेस तो सबसे पहले आपको अराउंड अक्टूबर के महीने पे यू सी एस के थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट्स के इनिशियल सिलेक्शन होती है अगर आप अपना प्लेस सिक्योर करते हो तो जनवरी के मंथ पे आपको फर्दर एप्लीकेशन स्टेप इसी वेबसाइट के पेज में मिल जाएगा इसके बाद फेबर तक आपको अप्लाई कर लेना है एंड अप्रैल तक आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा नंबर टू पे है हेनरिक बोल स्कॉलरशिप टू स्टडी इन जर्मनी वैसे जर्मनी पे मोस्टली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है बट वहाँ पे लिविंग एक्सपेंस बहुत बहुत ज्यादा है इसीलिए जर्मनी में पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप की बहुत ही जरूरत है एंड ये वाला स्कॉलरशिप जर्मनी में प्रोवाइड किए जाने वाले सबसे ज्यादा फंडिंग के स्कॉलरशिप में से एक है ये तो आपको बेनिफिट के ही पता चल जाएगा तो यहाँ पे आपको ट्यूशन फी मंथली लिविंग अलाउंस मेडिकल इंश्योरेंस फंडिंग फॉर स्टडी टूर के साथ साथ पेरेंट चिल्ड्रन अलाउंस भी दिया जाता है एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे हर एक नेशनैलिटी के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनका प्रीवियस एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं साथ ही साथ आपके पास या तो डी एस एच टू या फिर गोयथे इंस्टीट्यूट से ऑथराइज जर्मन प्रोफिसियंसी लेवल बी टू का सर्टिफिकेट होना चाहिए बात करते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के बारे में तो यहाँ पे भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है स्प्रिंग सेशन के लिए मार्च में एंड ऑटम सेशन के लिए सेप्टेम्बर पे आपको उनके ऑफिशियल पोर्टल के थ्रू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करना है हर एक वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा एंड यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए नेक्स्ट आपको किस कंट्री के स्कॉलरशिप के बारे में जानना है फाइनली बात करेंगे सबसे पॉपुलर एजुकेशनल डेस्टिनेशन यूएसए में मिलने वाले स्कॉलरशिप्स के बारे में वैसे तो यूएसए में बहुत से फाइनेंशियल एड बेस्ड स्कॉलरशिप्स मिलते हैं तो आप चाहो तो फाइनेंशियल एड पे अप्लाई करके भी आप फ्री स्टडी कर सकते हो बट अभी हम बात करेंगे फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के बारे में सबसे पहले देखते हैं बेनिफिट्स क्या है तो ये आपका हंड्रेड यूनिवर्सिटी फी लिविंग एक्सपेंसेस लाइक फूड लॉजिंग हेल्थ इंश्योरेंस एंड एयर फेयर को कवर करती है बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में तो ये स्कॉलरशिप मास्टर्स एंड पी स्टूडेंट्स के लिए है तो उनके प्रीवियस एकेडमिक स्कोर अच्छा होना चाहिए आपको अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए हालांकि यहाँ पे टोफिल एंड आयल स्कोर नहीं मांगी गई है ये स्कॉलरशिप ओनली 155 कंट्रीज के लिए ही अवेलेबल है जिसमें से इंडिया बांग्लादेश जैसे कंट्रीज भी अवेलेबल है बात करें एप्लीकेशन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपको एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करना है जो की है न्यू डेली में आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ एम्बेसी पे विजिट करना है एंड वही पे एप्लीकेशन स्टेप्स को कम्प्लीट करना है फिर अगर आप सिलेक्ट हो तो आपको कन्फर्मेशन मेल सेंड कर दिया जाएगा तो आज के लिए इतना ही ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे अपडेटेड रहने के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल इज इन डिस्क्रिप्शन तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपने कुछ नया जाना होगा मिलेंगे बहुत जल्दी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग